नमस्ते सस्त्रीकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो वेजिटेबल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो सबसे पहले तो नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है ये 9 दिन। जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज़ जो आपकी हैं उसको इन्वोक कीजिए, अपने अंदर की गॉडेस एनर्जी को इन्वोक कीजिए। इस टाइम पे अगर आप फास्ट नहीं रख सकते हैं तो पूजा ज़रूर करें, प्रेयर करें, नहीं तो यू नो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, मेडिटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो हर लोग यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं हैं, कुछ अलग धर्म के लोग भी यहाँ पे हैं। सो इस टाइम पे अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो इस टाइम मेडिटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट करें और उनकी एनर्जी क्लेम करें। इस टाइम पे आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन को इस टाइम इन्वोक करने का बहुत सही समय है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एफर्मेशन दे, पॉजिटिव चीज़ों को सुने, अपने अंदर के विकारों को, अशुद्धियों को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश करें। मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये 9 दिन बहुत पावरफुल होते हैं, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें और अपने डिवाइन क्वालिटीज़ को पहचानें। ये बहुत सही समय है, इसको मिस मत करें। ओके, सो आज फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जोडियक साइन की सीरीज में। सो धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, आपको पेशेंस रखना होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम कैसे देखें अपनी रीडिंग्स। आप जैसे कन्वीनियंट हो वैसे देखो, जैसे अपनी राशिफल को अभी तक आप चेक करते आए हैं आपको वैसे ही देखना है। नाम के इनिशियल्स अगर आप देखते हो तो वैसे देखें, डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखते हैं वैसे देखें, सन मून राइजिंग जैसे आपको देखने की इच्छा है, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आज तक आप अपनी रीडिंग देखते हैं, अपनी राशिफल को चेक करते हैं, वैसे ही आपको देखना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय स्कॉर्पियो वृक्षिक राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी वृक्षिक राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16th अक्टूबर टू 31st अक्टूबर, क्या कुछ आपके लाइफ में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। तो हम पहले चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे वृक्षिक राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहेंगे डिवाइन इस टाइम पे 16th अक्टूबर टू 31st अक्टूबर। मेरे वृक्षिक राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग 16th अक्टूबर टू 31st अक्टूबर क्या रहेंगे डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ओ आई एम सो सॉरी, मैंने कार्ड स्प्रेड कर दिया था, उसके बाद देखा मैंने कि कैमरा ऑफ हो गया है। सो ये है आपकी स्प्रेड। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वृक्षिक राशि वालों के इस टाइम में रीयूनियन पॉसिबल हो सकता है। आप भी यूनियन चाहते हैं, आपके पार्टनर भी यूनियन चाहते हैं और दोनों सेम पेज पे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी मुझे नेगेटिव लग रही है। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर ओवरऑल एनर्जी इनकी ऐसी रहेगी कि ये इस टाइम प्रोवाइडर बनेंगे, इस रिश्ते को लीड करना चाहेंगे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन सॉरी ये आपसे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको मनाओ, या तो ये चाहते हैं कि आप इनको मनाओ सॉरी बोलो, या फिर आपको सॉरी बोलने का ये सोच रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। सॉरी ही नहीं, मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल भी आपको देना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम मैरिज का प्रपोजल आपको नहीं देंगे इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में, इनके दिल में आपको लेकर ऐसी एनर्जी ज़रूर है कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, रोमांटिकली ये इंसान आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हालांकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी नहीं, ये बहुत अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करने वाले होंगे, लेकिन चाहते हैं ये आपके साथ कनेक्ट रहना हमेशा ही। आपसे क्या चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ है उससे आप लेसन लर्न करें और आप ग्रो करें, और एक्शन लेने की जब बारी आती है तो आप एक्शन लें, आपसे ये चाहते हैं। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट से सीखा नहीं, मतलब इम्प्रूव नहीं किया आपने, और अभी आप तैयार नहीं होंगे इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेने के लिए, इनको ऐसा लग रहा है। हालांकि ये चाहते हैं इस रिश्ते में काम करना, एफर्ट्स लगाना, इक्वल गिव एंड टेक भी इंसान चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप रेडी नहीं होंगे इस रिश्ते में और अपनी एनर्जी और एफर्ट्स लगाने के लिए आप रेडी नहीं होंगे। ये इंसान आपके टूवर्ड्स एक सडन एक्शन ले सकते हैं, इम्पेशेंट होकर एक एक्शन इनकी तरफ से आप रिसीव कर सकते हो, और ये एनर्जी जो है ना एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, मतलब जब आएंगे तो एक छोटी सी फाइट कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, चीज़ें
थोड़ी सी बिगड़ सकती है लेकिन सही हो जाएंगी मुझे ऐसा लग रहा है, और इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं। ये चाहेंगे कि अपनी एनर्जी एफर्ट्स लगाएं इस रिश्ते पे, अब जो पास्ट में उन्होंने नहीं किया था वो सब ये इंसान करना चाहेंगे अभी, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, जो भी एफर्ट्स उन्होंने नहीं लगाए थे वो एनर्जी वो एफर्ट्स इस टाइम लगाना चाहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपकी एनर्जी भी ऐसी है सेम, आप ओवरऑल अपने लाइफ में सेलिब्रेशन सक्सेस चाहते हो। फीलिंग्स आपकी भी ऐसी रहेगी कि आप इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आप सुधारना चाहते हैं, जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं उसे आप सुधारना चाहते हो कॉन्शियसली। सो आप चाहते हो एक न्यू बिगनिंग हो इस रिश्ते की, आप दोनों काम करें मिलके, सजाएं इस रिश्ते में जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं उसको सही करें, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में एक डेविल है, मतलब इनको हर्ट करने की एक एनर्जी है, या फिर चीज़ें खराब, मतलब एक होता ना कि डार्क साइड आप कह सकते हैं इसको, शैडो साइड, सबकॉन्शियस माइंड का है ये आपका। ठीक है, कहीं ना कहीं शैडो वर्क आपको करना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। शैडो वर्क इनर वर्क में होता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ें हैं जो कि आप इनको हर्ट करना चाहते हो, बदला लेना चाहते हो, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। कॉन्शियसली आप काम करना चाहते हैं इस इंसान के साथ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डार्क साइड है आपका जो आप इनसे बदला लेना चाहते हो, पुराना जो भी पास्ट की जो चीज़ें हैं आप इनको वापस करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। थोड़ी सी नेगेटिव है आपकी एनर्जी, ठीक है, थोड़ी सी आपको काम करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जीज पे, ऐसा लग रहा है मुझे। इनसे क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि इनको वो शक्ति मिले कि ये इंसान कोई एक्शन ले आपके टूवर्ड्स, इनको वो स्ट्रेंथ मिले और ये समझे कि एक्शन इनको लेना है और एक्शन ले आपके टूवर्ड्स, आप ये चाहते हो इनसे। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, एक चेंज आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, एक क्लियरिटी आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, एक क्लियर कम्युनिकेशन आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो आप चाहते हैं कि क्लियरली कम्युनिकेट करें आप दोनों, काम करें इस रिश्ते में, लेकिन सब कुछ आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। आपकी तरफ से भी आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, या तो अगर ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, ऐसा लग रहा है आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। फिर से इस इंसान के साथ आप एफर्ट्स और एनर्जी अपना इन्वेस्ट करने के लिए आप रेडी हैं, अगर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, लेकिन ओवरऑल एनर्जी आपकी अभी भी पेनफुल है, इसलिए आपकी एनर्जी ऐसी है। देखिए, जब आप रिलीज़ नहीं करते हो ना चीज़ों को तो वो शैडो बन जाती है आपकी, वो जो चीज़ें हैं जब आप रिलीज़ नहीं करते हो तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी डेवलप होके आपका ही एक दूसरा रूप ले लेती है जो कि नेगेटिव साइड होती है आपकी। सो ये जो एनर्जी है ना, इसको रिलीज़ कीजिए, ओके, तब जाके ये एनर्जी खत्म होगी, डेविल की एनर्जी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे पॉजिटिव दिख रही है लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है, ओके। सो आपके पार्टनर के साइन जो हैं वो हो सकते हैं एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस नहीं, हाँ सारे साइंस हैं यहाँ पे, यस। तो ये थी आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे बाकी के वृश्चिक राशि वालों के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम। टर्न प्लीज गाइड, मेरे वृश्चिक राशि वालों के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, जो कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। बाकी के मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स की पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। टाइम प्लीज, क्या बात है, वाओ ब्यूटीफुल। ओवरऑल एनर्जी न्यू बिगनिंग की है, रिस्क लेने के लिए रेडी हैं आप लोग, अपने लाइफ का न्यू बिगनिंग करने के लिए आप लोग रेडी हैं, एक रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, ऐसी एनर्जी है। सो अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, हाँ मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ कहीं कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि आपके साथ ये इंसान कोई गैदरिंग, कोई फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग, गेट टुगेदर, या फिर किसी से मिलाना, या फिर कोई टीम वर्क करने के लिए ये इंसान सोच रहे हैं, और इस टाइम कोई आइडिया आपसे शेयर कर सकते हैं ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या तो ये कोई पार्टी फंक्शन के लिए आपको आपको कैसे ऑफर करें इसके बारे में स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई टीम वर्क हो सकता है जिसके लिए इंसान स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ओवरऑल इनको सक्सेस चाहिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मैरिड अगर आप हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपके पर्सन आपको बहुत हाई वाइब्रेशन में देखते हैं, आप उनके लिए एक देवी के जैसे हो, अब नो मैटर कि आपकी जेंडर क्या है, मतलब हाई वाइब्रेशन में देखते हैं आपको, आप एक ऐसी एनर्जी है उनके लिए जैसे कि यू नो सर्वगुण संपन्न जैसे कहते हैं ना, वैसे एनर्जी में आपको देखते हैं इंसान, ठीक है। थोड़े से इनसिक्योर हैं, थोड़े से फियर हैं इनमें, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल दिख रही है इनको, और ये इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है। सो इसलिए ये इंसान जो है अपने एक सोल सर्चिंग में इस पर जाना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं कहाँ इनमें गलती हो रही है, कहाँ ये चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, एक इनसिक्योर एनर्जी दिख रही है, फियर लग रहा है इनके अंदर, डर लग रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी अलग है, आपके पार्टनर की एनर्जी अलग है। सो ये इंसान थोड़ा सा इस टाइम अपने ऊपर काम करेंगे इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा थोड़ी सी आपके जो क्रश की फीलिंग है ना, वो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है इस टाइम पे। हालांकि इंसान आपको प्रपोज करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादातर फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड हैं, फिजिकल इंटीमेसी आपसे चाहते हैं, इसलिए ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे और कहीं आपको ट्रैवल के लिए लेके जा सकते हैं, कोई ऑफर आपको दे सकते हैं कहीं ट्रैवल करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा ऑफर कर सकते हैं जो कि इस टाइम आपको इग्नोर करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। पार्टनर के साइन आपके हो सकते हैं कैप्रिकॉन, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। थोड़ा सा केयरफुल रहें इस टाइम पे, अगर आप नए नए किसी रिलेशनशिप में अगर आप जा रहे हो, कोई इंसान आपको प्रपोज करते साथ ही कहीं चलने के लिए अगर कह रहा है, थोड़ा सा पॉज ले वहाँ पे, थोड़ा समझे उनको, उसके बाद आप मिले उनसे, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी उनके नेगेटिव दिख रही है। सिंगल्स अगर आप हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ सकते हैं जो कि एक इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं, और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, इनके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, और यू नो ये एक बैलेंस क्रिएट करके चलने की कोशिश करेंगे आपके साथ, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है, ये फुल की एनर्जी है, एकदम न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं, एक्शन लेने के लिए आप लोग रेडी हैं, अपनी खुशियों के लिए काम करने के लिए रेडी हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग, अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आपके क्या कुछ एक्सपेक्टेड गाइड, मेरे वृश्चिक राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 16 अक्टूबर to 31 अक्टूबर, एंड प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, क्या करूं, समय टाइम प्लीज। हैंग्ड मैन, थोड़ा सा स्टक फील करोगे आप ओवरऑल लाइफ में, लेकिन मुझे आपकी लाइफ बेहतर दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है आपकी, विजडम गेन करना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत कुछ जानने की कोशिश इस टाइम करोगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हो आप, ओके, ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है ना, एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, एक सॉरी, एक प्रपोजल, एक गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो आप, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो या तो बिजनेस का प्रपोजल हो सकता है, पर्सनल लाइफ में कोई ऑफर हो सकता है, कोई कॉल मैसेज का वेट आप कर रहे हैं, जॉब के लिए हो सकता है, पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है, कुछ ना कुछ वेट करते आप दिख रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिसका कि बहुत दिन से आप वेट कर रहे हो, एक पैशनेट स्टार्ट, एक गुड न्यूज़, एक चेंज, एक सॉरी, एक प्रपोजल, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में मुझे दिख रहा है कि आपको कोई ऑफर मिल सकता है इस टाइम पे, जो कि आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। ये गोल्डन चांस मतलब या तो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस का ऑफर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा ऑफर जिससे आप चमक सकते हैं। सो इस टाइम अगर कोई ऑफर आपको मिल रहा है, उसको डिनाई मत कीजिएगा, ट्राई कीजिए, वो ऑफर आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई ना कोई ऑफर करियर, बिजनेस, फाइनेंस में आपको मिलता दिख रहा है मुझे, जिससे आप शाइन करोगे बाद में, ठीक है। तो इस टाइम जो ऑफर मिल रहा है उसको डिनाई ना करें, उसको इग्नोर मत करें, उस पर सोचें और काम करें। हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ फाइट कर रहे हो हेल्थ को लेके, इस टाइम को मेडिकल सपोर्ट आप ले सकते हैं,
और ये सपोर्ट आपको कहीं ट्रैवल करके लेना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर फ्यूचर को सोच के आप इस टाइम एक मेडिकल सपोर्ट लेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही है अंदर से, बहुत बड़ी कुछ चीज़ें नहीं होंगी, छोटी मोटी चीज़ें होंगी जो कि आपको परेशान कर रही है। इस टाइम आप उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने की कोशिश करेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे, या तो लव लाइफ जो है आपका उसमें बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो आपको दिक्कत होगी, या फिर ऑन एंड ऑफ रिश्ता होगा जो कि परेशानी होगी, रनर चेजर वाला डायनामिक हो सकता है जिससे कि आपको परेशानी होगी, या फिर ओवरऑल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं जो कि आपको ऑब्स्टिकल लगेंगे इस टाइम पे, ठीक है। आउटकम क्या रिसीव करोगे आप, मल्टीटास्क करोगे इस टाइम पे, हीलिंग होते दिख रही है मुझे आपकी, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते दिख रहे हैं मुझे, और कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, मल्टीटास्किंग करते दिख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होते दिख रही है आपके अंदर, नो मैटर कि आपकी जेंडर क्या है, एक फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर एक्टिव हो रही है जो कि बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस दिख रहे हैं मुझे आप अंदर से, और हीलिंग होती दिख रही है, एक स्टेबिलिटी आती दिख रही है, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होता दिख रहा है इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जो हैं एक हैंगमेंट की एनर्जी में है, लाइक यू नो लाइफ को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो आप मुझे यहाँ पे, ओके। सो गाइडेंस हम चेक कर लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई स्कॉर्पियोज फॉर देयर पर्सनल ओवरऑल लाइफ। One more time, please. So sorry for the background noise. Voice of truth. Voice of truth की energy यहाँ पे है. Stand strong. Focus on your purpose. Release the fear of persecution and speak your truth. तो मैंने आपको ये guide कर रहे हैं कि आपको stand लेना है. अपने purpose में आपको focus करना है. जहाँ भी आपको सच बोलने की ज़रूरत होती है वहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सच बोलना होगा, चाहे अपने लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, आपको सच बोलना होगा, ठीक है। जो भी आपके अंदर सच्चाई है ना उसको बोले, अगर कुछ अंदर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं नहीं बोल रहे हैं तो बोले, ठीक है। अगर कहीं स्टैंड लेना है तो स्टैंड लें, अपने लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, स्टैंड लें। लव इज़ योर्स, रिकोगनाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थाट्स। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि यू नो अपने अंदर की डिवाइन वर्थ को चूज़ करें। चूज़ लविंग थॉट्स का मतलब ये होता है कि अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, ठीक है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखें, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। सो माय डियर स्कॉर्पियंस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को आज के रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।